एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां लोग अपने शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। उसी गांव के पास एक गहरा जंगल था जो रहस्यमयी और अद्भुत था। एक रात आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई दी। गांव के लोग चौंक गए और आसमान की ओर देखने लगे। कुछ ही देर बाद जंगल के अंदर एक अजीब सी आवाज आई। वह एक छोटा सा अंतरिक्ष यान था जो उस जंगल में उतरा। उस यान से एक छोटा और प्यारा एलियन बाहर निकला। उसका नाम जार्क था। जार्क देखने में बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था, पर उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। जार्क का यान खराब हो गया था और उसे मदद की जरूरत थी। वह गांव की ओर चल पड़ा, ये सोचते हुए कि शायद कोई उसकी मदद कर सके। गांव के लोग पहले तो डर गए, पर जार्क की मासूमियत देखकर उन्हें समझ आया कि वह कोई खतरा नहीं है। गांव के मुखिया ने जार्क से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम जार्क है, मेरा यान खराब हो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गांव के लोग मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर जार्क के यान को ठीक करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में जार्क का यान ठीक हो गया। विदाई के समय जार्क ने गांव के लोगों का धन्यवाद किया और कहा, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। जार्क अपने यान में बैठा और आसमान की ओर उड़ गया, लेकिन उसने वादा किया कि वह कभी न कभी लौटकर जरूर आएगा। गांव के लोग उस दिन को हमेशा याद रखते हैं जब एक छोटे और प्यारे एलियन ने उनकी मदद मांगी थी और वे उसकी मदद कर सके थे। और इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि मदद और दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।